वहाँ टकैत है, पैसे दे तो चले आवेंगे, पैसे दो सिवाय टोल से ले गया वो पैसे, सिवाय टोल से पैसे लेगा, उठ गया जनता पीट की चली, टकैत थोड़ी है तो डकैत हो रहा, मोदीपुरम टोल है यहाँ से भी उठ के बताओ पैसे ले लेते इन्होंने, देखो चला गया और हमारा फिर भी टोल में और 10 रुपए और बढ़वा दिए, जो वहाँ पड़े उन्हें कुछ काम थोड़े करना हो ना किसी को, ये तो ठाली हैं सब, ये तो सब ठाली हैं। 45 साल राज करते हुए छके नहीं राज से, राजमोर किसी का नंबर नहीं आना चाहिए, जब यही उनके दादा लाई लिख गए जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रियंका लो नंबर आ रहा। किसान आंदोलन चल रहा है, गए नहीं आप दिल्ली? नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाट हम राजपूत हैं, हम ठाकुर साहब हैं, वे जाट हैं, जाटों का मेला, हमारे भानु प्रताप सिंह नहीं पहुँचे मान लो, नहीं वो तो थे किसान, नहीं किसान नहीं वे नहीं पहुंचे मान लो, जब तक किसान आंदोलन था, जब किसान आंदोलन नहीं है तो वे चले गए भानु प्रताप सिंह अपनी यूनियन को लेकर ठाकुरों की, तो अब क्या वहाँ किसान आंदोलन नहीं है? अब किसान आंदोलन कहाँ है, वहाँ तो खालिस्तानी मंडरे रुक का मचाड़े, अच्छा वहाँ डकैत है, पैसे दे दो चले आवेंगे, अच्छा टिकैत नहीं डकैत है, हाँ पैसे दो सिवाय टोल से ले गया वो पैसे, सिवाय टोल से पैसे लेगा, उठ गया जनता पीट की चली गई, आगे धक्के खा गई, कहीं गाड़ी फिर रहे हैं, कहीं परेशान नहीं करते हैं, रोड जाम करना कोई अच्छी बात है? अरे तुम्हारी रोड जाम हो जाए तुम कहाँ कहाँ को फिर खाओगे, हम एक दिन रोड जाम हो गया बहन चोद, हम पता नहीं कहाँ कहाँ फिरे, और ट्रैक्टर लगा कर इतनी इतनी गली दे रखी, इतनी इतनी गली नुकाडियो सड़क काटो कार, और ट्रैक्टर का ब्रेक छोड़ दें बहन चोद, कार पीछने को और तैयार होगी मंसूर भैंसी के वाले रोड पे, तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हो रहा है ये क्या है, क्या है कि मांग कर रहे, बिजली यो नहीं घटवा रहे है जी, गन्ने का पेमेंट को यो नहीं कह रहे, योगी जी ने करा 14 दिन में पेमेंट आवेगा, तो उसे पेमेंट को मंगवा मैं, आधे किसानों की रजाई नहीं भरी गई अभी, ठंड कितनी पड़ रही है जी, बिजली का बिल पहले हम आपसे 4 साल पहले दे थे 5,000 रुपये और आज दे रहे हम 15,000 रुपये, उसी पावर 7 पावर के, हम उस 7 पावर के 15,000 रुपये दे रहे, जब देवे थे 5 पावर 7.5 पावर के 5,000 रुपये 3 साल पहले, तो उसे मंगा कम करवाओ मैं, गंदे का रेट भी ना बढ़वाओ तो पेमिट मंगवाओ मैं है जी, कर्जा किसी का माफ नहीं होना चाहिए, बिल जो कह रहे कि खत्म करो काले बिल है, खत्म नहीं होना चाहिए, हाँ। खत्म तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, हाँ। ना किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, हाँ। आदत खराब हो गया इनकी, अच्छा जब लिया हमने तुमसे देगा कौन, बराबर तुमने पैसा दिया 1,00,000 रुपए हमें, हाँ। और तुम 1,07,000 मांग रहे, ये हमारा माफ हो जा, क्यों हो जा माफ, उनके हमें जो साले देते नहीं, लंबे पैसे ले मैं कर्जे, लाख लाख ले लिए, 27 लाख 28 लाख 19 लाख हो गए, उनकी क्षमता है जमा करने की, जो ऐसी आफत आ गई तो जमा कर देंगे, हम सिवाल गरीब आदमी ले लिए 50,000 रुपये, हमारे में क्षमता नहीं, हम हर साल दे रहे, किसान सरकार कह रही भाई ये मालदार हैं ये हरदार दे रहे, जो हमारी बड़ी बड़ी हम तो डरे बैठे, अरे हम कहाँ से जमा करेंगे, हम तो अपने टुकड़ा बेच के भी जमा करेंगे उनका, और जिन्हें जमा करा हमारे 50 लाख है, 27 लाख सरकार के, ऐसी आफत आओगी तो कट दे जमा कर देंगे, माफी होगी तो फिर मजे ही आ जाएंगे, तो मतलब माफ भी नहीं होना चाहिए, बिल भी नहीं होना चाहिए, बिल कम होना चाहिए, नहीं ये जो कह रहे काले बिल है ये खत्म करो, काले बिल का मतलब क्या है जी, और कोई आप बताएंगे जी जी, अरे किसान है आप, आपकी भी तो कोई समस्या होगी, मेरी कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ, कोई समस्या नहीं, खुश है एकदम आप, सब सरकार बढ़िया कर रही है, हमारे लिए तो ट्रैक्टर लेके सब युवा वहाँ पहुँचे, आप नहीं पहुँचे? अरे टाइम तो नहीं है, टाइम नहीं है तो वहाँ जो वहाँ जो गए वहाँ कौन है फिर? वे तो जाने वाले हैं, जाओगे भैया कुछ ना कुछ, तो हमारे किसान नहीं है वो, किसान है हम, नहीं नहीं वो किसान नहीं है, किसान है वे भी, वे भी तो फिर उनके पास कहाँ से टाइम आ गया भाई, सबके द्वारा टाइम है, हमारे पास नहीं है टाइम, अच्छा फिर ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड में कौन जाओगे अपने घर से बताओ, ठंड की वजह से आप नहीं गए था उधर? नहीं नहीं वहाँ जाने का फायदा क्या है, क्यों अजी नहीं, ये तो बे मतलब वहाँ से और खामा खा राड हो रही है वहाँ जाकर, हाँ। दुनिया परेशान कर रखी, हाँ। कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं को जाना उन्हें परेशान हो रहे, कह के चक्कर काट के जा रहे हैं लोग, परेशान है, हाँ। या नहीं तो किसान आंदोलन नहीं होना चाहिए, नहीं 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 जी सुनो, पब्लिक को परेशान हो रही, किसान आंदोलन में करेंगे क्या, वे गवर्नमेंट के अगर क्या होगा बताओ, की अच्छी बात है यो, हाँ लाल किले पे जो हुआ वो मतलब, हाँ, आप दुखी है उससे, हाँ ये बढ़िया बात नहीं, चलो किसान भी अपने मांग कर रहे तो आराम से तसल्ली से मांग करो बैठ के आराम से, कोई इसमें क्या दिक्कत है, पर ये हाथ ओबा करनी, पब्लिक को चोट लगानी, ये लगाना बताओ, पुलिस पे भी है जो वे इशारा करे उन्हें कोई मार रहे, कौन है ये मार रहे, ये तो भैया पता नहीं कौन है, ये तो जने कहाँ के हैं, ये तो विपक्ष वाले बैठे हैं, और कौन है ये विपक्ष वाले, हाँ ये राहुल गांधी ने बिठाया, हाँ और का उन लोगों और का हमने बता रखे, उन्हें बता रखे, अच्छा हाँ अच्छा, ये विपक्ष के लोग पैसे मिल रहे हैं, और पैसे दे दो ना, तो 1,00,00,000 रुपए दे दो, तो गैल कल को खत्म कर देंगे, अच्छा पैसे देंगे खत्म कर देंगे गैल,
एकदम। यो मेरठ जिला कह रहा इस बात को, इन्हें 1 करोड़ रुपए दे दो कल को ये बंदा रहेगा। यो टिकैत है, यो तो टिकैत थोड़ी है, तो डकैत हो रहा। टिकैत नहीं डकैत है। हाँ नहीं तो वो तो कह रहे कि भैया रो दिए तो पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा। अजी कोई नहीं वहाँ, कौन जा रहा वहाँ, ये तो पब्लिक को दिखा रहे। मोदीपुरम टोल है, यहाँ से भी उठ के बताओ पैसे ले लेते, इन्होंने दे चला गया और हमारा फिर भी टोल वे और 10 रुपये और बढ़वा दिए। जब 10 रुपये में आप चले जाते, अब जब 20 रुपये और होगी। अच्छा ज्यादा पैसे देने पड़े। और क्या मतलब आंदोलन किया, टिकट तो ज्यादा महंगा और ज्यादा हो गया। अच्छा तो फायदा क्या इस बात का? अच्छा तो ये बिल वापस नहीं होने चाहिए? अरे नहीं बिल तो सुनो, अब जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी नौकरी कहाँ से जाएंगी? देखो सोच रहे कि जमीन कब्जा कर लेंगे किसानों की, ये जो बिल आ गए तो। अरे नहीं कोई किसी पे कब्जा नहीं करने का। कौन कब्जा करेगा किसी के? अफवाह उड़ा रहे हैं, ये तो अफवाह है। राहुल गांधी कह रहे कि किसानों पर तानाशाही हो रही है। अजी ये तो राहुल तो ये तो कभी कुछ कह लगे, कभी कुछ कह लगे, तो ये तो चिढ़ता फिर रहा लोगों को। ये सब पता गेहूं कैसे पेड़ है, रोटी कैसे पुए है, इधर तो बावली कुत्ता ने काट रखा इसका तो। हाँ जी, और वो प्रियंका जी आपके यूपी में आई थी, वो कह रही कि इस बार मतलब ये कह रही कि मुख्यमंत्री बनाओ उनको। उन्हें मुख्यमंत्री बना दियो, ये जो थोड़ा घना जो काम हो रहा है वो बिना और होने का यहाँ थी। हाँ जी उन्हें 45 साल राज करते हुए छके नहीं राज से। राजमोहर किसी का नंबर नहीं आना चाहिए, जब यही उनके दादा लाई लिख गए जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रियंका और नंबर आ रहा है जी। और किसी का राज जी करता हो राज करने के लिए, और किसी में भी दम होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, या उन्हीं आजादी। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मेरे को एक बार मौका दो, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो जब मोदी जी अच्छा नहीं करने का, फिर तुम्हें मौका मिल जाएगा अपने आप ही। सरकार थोड़ी रल जाएगी भाई, पार्टी थोड़ी रल जाएगी। नहीं तो वो कह रहे वोट दो हमको, देंगे आप वोट? हम कह रहे दे देंगे जब हम मोदी काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, रोड बन रहे, सड़क बिजली चल रही, सड़क चल रही, 24 घंटे लाइट। मायावती के जमाने में 4 घंटे लाइट आती थी। अच्छा अब 18-20 घंटे लाइट आ रही है। अच्छा अच्छा, ये एक युवा किसान भी है हमारे साथ, क्योंकि किसान जो है अब किसानी का, खेती किसानी का रूप भी बदल रहा है। सरकार कहते हैं कि मॉडर्न खेती करिए आप, नए नए बिल लाए जा रहे, तो युवाओं से भी बात करनी चाहिए। सरकार ने कुछ कानून लाए, खुश हैं आप? सरकार को तो छोड़ो अभी, पहले तो ये बताओ आज़ादी दिलाने में और भी तो होंगे, या बस एक नेहरू परिवार ही है या गांधी परिवार है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद सिंह, उनका पता आज कहाँ है? या उनका परिवार पता कहीं किसी को? किसी को नहीं पता। बस एक इसी परिवार के पीछे दुनिया लग रही, बस एक इसी ने ही आजादी दिलाई सबको। अरे नहीं सब इनके जब अब तक सरकार राज इन्होंने करा तो इनके पीछे ही है सब, या नहीं? नहीं तो मतलब कानून की बात कर रहे हैं हम, कानून सही है? यह कानून का तो यो है, कितना ही कुछ कर लो घूम फिर के सरकार कोई भी कुछ करे, लूटना पिटना किसान ही है। अच्छा बस कुछ भी कर लो। हाँ तो लूटना पिटना किसान नहीं है, तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये सही चल रहा है गलत चल रहा है? बस जिसकी जेब भर जाएगी उसके लिए सही है, और जिसकी नहीं भर रही उसके लिए गलत है। एक बात में मतलब बहुत इशारे इशारे में युवा जो है बहुत सही बात करे कि जिसकी जेब भर गई उसके लिए सही है। किसकी जेब भर रही है आंदोलन से? भैया अब तो हमारी भर रही है, अभी ना भरी किसी की भी। अच्छा अभी आपकी नहीं, आपकी भर रही है अभी? हाँ भाई हमारी भर गई अब तो जेब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लाल किले पे जो हुआ 26 जनवरी को, इस पे मैं कुछ कहेंगे? बस कहना है क्या, जो हुआ गलती हुआ। अच्छा किसने किया? वो किसानों पे ही आरोप है कि किसानों ने किया? आप तो किसान ने करा उसमें तो, चाहे कोई भी आ जाओ किसान ही बदनाम होना हुआ तो, और कोई भी आ जाओ बदनाम किसान ही होना। नहीं तो सब युवा गए ट्रैक्टर लेके स्टंट वंट भी कर रहे हैं उधर जाके, आप क्यों नहीं गए? यहाँ से कोई नहीं गया। क्यों मतलब आप किसानों के साथ नहीं है? किसानों के साथ अपनी संपत्ति को लुटवा देगा सरकार, थोड़े दे देगी जो हमारे नुकसान हो जाएगा कोई नहीं देने का। अच्छा तो इसलिए नहीं गए आप? देखिए ये अपना काम से मतलब है, मैं तो भैया यहाँ यहाँ ठीक है तो सब ठीक है, जो वहाँ पर उन्हें कुछ काम थोड़े करना हो ना किसी को। अच्छा तो पैसे वैसे दे रहे ठल्ली हैं सब? ठल्ली है, पैसे वैसे मिल रहे क्या? वे तो सब ठल्ली हैं, पैसे वैसे मिल रहे क्या उनको? हाँ और कौन दे रहा है? बस मैं ही दे रहा भैया अब तो सबको पैसे। अच्छा ये दे रहे हैं, मतलब इशारे इशारे में मजाक मजाक में बहुत सारी बातें ये कह दे रहे हैं। तो ये जो है ये क्षेत्र के किसानों की राय है, ये मेरठ ज़िले में आता है, मोहिनीपुर गांव है, और इस गांव के लोगों की जो राय है हमने आपको सुनाई।